रायगढ़ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना के निर्देशन पर जिले के कोतवाली एवं जूट मिल पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से रद्दी, प्लास्टिक, टूट फूट की खरीदी करने वालों के गोदामों की तस्दीकी अभियान छेड़ा गया। देर रात जूट मिल पुलिस को अमली भौना के पास एक माजदा वाहन में चोरी का सामान लोड होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कोतवाली मनीष नागर स्टाफ लेकर मौके पर पहुंचे, जहां जूट मिल प्रभारी भी स्टाफ के साथ मौजूद थे। मौके पर एक टाटा स्वराज माजदा चार चक्का वाहन खड़ी थी, जिसके अंदर कमानी, पट्टा, छड़, डिस्क लोड था। वाहन के पास मौजूद उत्तम कुमार राम गाड़ी में लोड माल को अजय सिंह कबाड़ी का होना बताया तथा कोई कागजात नहीं होना बताया। वाहन में लोड स्क्रैप जिसका वजन 6 टन व कीमत 1,86,800 रुपए है एवं गोदाम पर मिले एक LPG सिलेंडर, 3 नग गैस कटर पुलिस ने जब्त कर लिए। गोदाम का मालिक अजय सिंह कबाड़ी फरार था। जूट मिल पुलिस आरोपी उत्तम कुमार राम को गिरफ्तार कर आरोपी तथा फरार गोदाम मालिक अजय सिंह पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के बाद देर रात्रि संयुक्त टीम द्वारा गोदाम को सील किया गया है। रायगढ़ में जूट मिल और कोतवाली की संयुक्त टीम के द्वारा कल एक अमली भौना गोदाम में रेड मारी गई थी, जिसमें करीब 6 टन कबाड़ पकड़ाया गया है। साथ में एक माजदा गाड़ी भी है, जिसमें एक आरोपी के साथ उसको गिरफ्तार किया गया है। बाजार मूल्य करीब 1,86,000 के आसपास इसका वैल्यू है और इसे 41(4)379 APC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को जेल भेजा गया, अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।